नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम हैं लखनऊ में, और लखनऊ में आज दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन और नेपाल टूरिज्म को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए पोखरा नेपाल, यानी यहाँ पर आईटा ऑल इंडिया ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और उपटा उत्तर प्रदेश स्टूडेंट ट्रैवल एसोसिएशन के साथ साथ नेपाल टूरिज्म की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, जहां पर कुछ होटल्स और टूरिज्म को लेकर प्रमोट किया जाएगा। इवेंट में आने वाले हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह और टूरिज्म मिनिस्टर रीता बहुगुणा जोशी। आइए बात करते हैं उनसे, पहले उनके हम आगे डिटेल देंगे। आगे हम बात करते हैं जो नेपाल और टूरिज्म की तरफ से जो होटल्स और बिजनेस को लेकर जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनका इस इवेंट को लेकर क्या प्रोग्राम है, क्या एक्सपेक्टेशन है, आइए बात करते हैं। सर नमस्ते, इस इवेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? इसमें आप लोगों को पोखरा में जो देखने चीज है, हिमालय वगैरह वो झील है, और आप लोगों को पैराग्लाइडिंग है, और एविया क्लब है, और आप लोगों को साइट सीइंग के लिए ओरिजिनल जो जबिस फॉल है, गुप्तेश्वर केव है, मंदिर है, आप लोग वहाँ से मुक्तिनाथ जा सकते हैं। मुक्तिनाथ पोखरा से ज़्यादा दूर नहीं है, अभी जीप है, बस है, और वहाँ पे आप लोग को फ्लाइट वगैरह बस टूरिस्ट बस बहुत बढ़िया है रहने के लिए। कम से कम आप लोग को तीन दिन आप लोग को बहुत अच्छा से घूमने जगह है। ग्रुप का नाम क्या सर? किस ग्रुप से? होटल से हैं क्या? हम होटल से आए हैं सर, हमारा ये होटल स्नो लियोपार्ड है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, और हमारा है 23 rooms, सो वी हैव 8 room डिलक्स एंड 15 room इज अ स्टैंडर्ड इज नाइस रूम सर। डिफरेंट क्या है होटल स्नो लियोपार्ड एंड जो दूसरे होटल्स हैं? नहीं, देर इज मेनी डिफरेंस सर, देर इज मेनी डिफरेंस। बिजनेस क्या लगता है अभी हिंद भारत नेपाल के बीच में, साल दो साल के अंदर बिजनेस बढ़ा है घटा है, क्या लगता है? नहीं, हमारा बिजनेस भारत और नेपाल में बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा, एकदम कॉपरेट है, और नेपाल से भारत भी आते हैं, भारत से नेपाल जाते हैं, है ना। हम दोनों का एकदम अच्छा कॉपरेट है, अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। होटल सकुरा के हम अभी पास आएंगे और जानते हैं कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, इवेंट से क्या इनके एक्सपेक्टेशंस हैं। सर स्वागत। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करना चाहता हूँ। मैं नेपाल से हूँ, होटल साकुरा, जो ये कार्यक्रम हो रहा है नेपाल टूरिज्म बोर्ड और पोखरा का जो होटल एसोसिएशन है उसे कर रहा हूँ। इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ ये होटल एसोसिएशन का। हमारा ये 7 times है आपका ये सिटी में, 3 times आया हमें चलिए पोखरा प्रोग्राम, 7 times हो गया अभी तक। हमारा मेन उद्देश्य है आप लोग जितना ज्यादा हो सके पर्यटक, इंडियन पर्यटक नेपाल में ले जाने के लिए हम आया है। एकदम अच्छा से इम्प्रूव हो रहा है, अभी शुरू से 10% से लेके अभी 40% तक गेस्ट को हम लोग के लिए मिल रहा है इंडियन गेस्ट, क्योंकि वो बहुत नजदीक में एक दिन में आप लोग उधर पहुंच सकता है। यहाँ से एक दिन में आपका प्राइवेट गाड़ी है तो सुबह यहाँ से निकलते ही आपको लगभग रात को उधर पहुंच सकता है। जिसके पास टाइम एकदम कम है वैसा लोग भी, गेस्ट लोग भी उधर जा सकता है 1-2 days में। इसीलिए हम लोग ये बॉर्डर साइड में एक प्रोग्राम कर रहा है, इससे दूर में नहीं जा रहा है हम लोग। ये होटल सकुरा आपने देखा बिजनेस बढ़ा है इनका कहना है। आगे बात करते हैं, और एक हम आप लोगों को और होटल के बारे में, न्यू सॉलिटरी लॉज चलिए पोखरा में। सर स्वागत। नमस्ते जी, क्या एक्सपेक्टेशन है इस इवेंट से? इस इवेंट से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया और नेपाल और हम लोग नेबरिंग कंट्री है ना, इसीलिए हम लोग इंडियन लोग में हमको लग रहा है एक ही लग रहा है ना, इसीलिए इधर से पोखरा आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, नजदीक का रास्ता है। लेकिन पोखरा माउंटेनिंग कंट्री है, उधर झील है, माउंटेन है, और पिलग्रिम्स है, वो देखने के लिए अच्छा जगह है, हर सीजन में आप लोग आ सकता है, इसीलिए सीजन के लिए अच्छा ही है। उधर है, उधर है, आगे आपको लेकर चलते आइए। हमारे साथ अभी होटल सिटी इन के मेंबर्स हैं, आइए बात करते हैं कि क्या खास बात है होटल सिटी इन में, जो इस इवेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू सो मच। क्या एक्सपेक्टेशन सबसे पहले जानना चाहेंगे इस इवेंट से आपके? Yeah, we're expecting much, like a lot of, like, this is the border town and we're expecting, like, this nearby the destinations, and the more Indian, you from the Lucknow traveler goes to the, like, a young star family trip, you can do in the Pokhara. This is the first time you are participating? Yeah, this is our hotel first time. So what's your expectations?
we're targeting more like adventure people, adventure tourism, young start they want to travel there, you know. There's a paragliding, there's a zip fire, there's a like rafting, there's bungee, so the young start they are really love that kind of things, and we're expecting more. And for the family trip also there is a nice places, the you can do the boating, also the elderly people also they can do like a nice trip over there. What is the specialty of Hotel City Inn? City Inn, we have 8-floor building, so you have a stunning view of the whole Pokhara Valley, and then we have a 2 jacuzzi suite there, where you can see the 180s, the panorama of the whole the Himalayas with the jacuzzi, and then with the penthouse suite. That's the very speciality. So, you see, City Inn, Himalayas, we can look at it. We are with you now. Hotel Trackers Inn. Gujarat Samaj Sark. ओके सर, इसके बारे में जरा बताइए, टूर एंड ट्रेवल किस तरह का, क्या बिजनेस है और क्या इसमें? नहीं सर, ये जो चलिए पोखरा जो कार्यक्रम ये 7 साल से इनका लगातार चल भी रहा है, उसमें हम भी सहभागी हो रहे हैं। और एक्चुअली मेरा ट्रैवल से ये आपका लुम्बिनी में है, और हमेशा प्रत्येक साल ये कार्यक्रम इनका होता रहता है। जैसे पटना में अभी हुआ है, आपका बनारस में हुआ है, लास्ट में लखनऊ में हो रहा है। इससे क्या है, इनसे क्या है, प्रसार प्रसार भी होता है। बीच में थोड़ा नेपाल में जब वो भूकंप आया था उसमें थोड़ा सा मंदा आ गया था, उससे पहले से भी कार्यक्रम शुरू भी है, और इसमें बहुत अच्छा माहौल भी है। पर्यटक बहुत पोखरा जा भी रहे हैं, पोखरा में एकदम ब्यूटी सिटी भी है, वहाँ पर सारे पर्यटक बहुत, क्योंकि हम लोग काठमांडू पोखरा चीज़ों में जो पैकेज करते हैं, सबसे ज़्यादा ये जो सैलरी जो पर्यटक है वो पोखरा को ज़्यादा भाते हैं। पोखरा बहुत अच्छी जगह है, सुंदर भी जगह है। इससे पहले थोड़ा पर्यटक कम था, अभी आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब गए थे उससे पर्यटक नेपाल में बहुत बढ़ गया सर। अभी मुक्तिनाथ अभी गए थे, उसके बाद में आपका जनकपुर गए थे, काठमांडू पशुनाथ गए थे। इससे नेपाल में बहुत अच्छा भी है और बहुत बढ़िया पर्यटक आ भी रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोग यहाँ पर आकर के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई चीज़ समझ में आई, अगर पॉलिटिशियन जाते हैं ऐसी जगहों पर टूरिस्ट प्लेस में तो वहां टूरिज्म बढ़ता है, तो ये नई चीज आई है, तो पॉलिटिशियंस को जाते रहना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं जी। होटल जोशी प्राइवेट लिमिटेड, जी सर, क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम? बहुत ही ज्यादा, मैं तो गत 8-9 साल से मैं विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये नेपाल और इंडिया को एक ज्वाइंट करने के हृदय से, जैसे एक कहना ही है रोटी और बेटी का संबंध, वो भी लेकर के, क्योंकि आपकी आत्मा और हमारी आत्मा और हमारा रहना सहना जो रिलीजन सब एक ही है, खाना पीना से लेकर के। और इस टूरिज्म से जो हम लोग लखनऊ वाराणसी पटना ये इंडिया भर में हम लोग करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा, आप पशुपति के बिना दर्शन के बिना नहीं रह सकते, हम केदारनाथ के दर्शन के बिना नहीं रहते, तो ये हम लोग एक लोग बहुत ही अच्छा है। 7-8 साल से यहाँ पे इवेंट्स कर रहे हैं, तो क्या हर इवेंट के बाद इम्प्रूवमेंट लगता है इवेंट्स में, बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है? बहुत बहुत, हमारे भूकंप के बाद 2 साल हम खुद ही डिस्टर्ब रहे, तो उससे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन गत 17 और ये बहुत ही बूम बिजनेस, और उसके बाद हमारे मित्र ने बताया थी प्रधानमंत्री जी के आगमन से, तो और ये अच्छा हुआ। बहुत नॉट पॉलिटिशियंस राइट, बट जो आपके पीएम इज ग्रेट इन इंडिया, तो उससे आज वर्ल्ड में देखे आपके प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड में कहीं भी जाते वहाँ टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा विकास होता है, इंडिया के लोग मूवमेंट उधर ही होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ जनकपुर पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ, अभी दर्शन की इतनी भीड़ है वहाँ पर, रश इतना ज़्यादा है, अभी वेदर के कारण थोड़ा कभी डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन हमें मुक्तिनाथ का दर्शन करवा दी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री गए, हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नई बात समझ में आई, अभी विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं क्या करते हैं, तो ये नई बात है, विदेश जाके वहाँ का टूरिज्म बढ़ा के आता है, ये सबसे पहला प्रॉफिट है। आइए सर आगे बात करते हैं, होटल पैरामाउंट मम्स ग्रैंड रिसोर्ट। ओके सर, अबाउट दिस इन पोखरा मे बी 300-400 डिफरेंट होटल्स देयर, सो हु कम्स टू नेपाल टू बी लव नेचर, वो जो अपने नेचर में टच करेंगे तो ये होटल में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली, सो दे लॉट ऑफ प्लेसेस विद द नेचुरल थिंग्स, यू नो, एंड सेकेंडली यू नो विश बिकॉज देर इज सो मेनी होटल्स वेर यू कैन हैव द बी बिल्डिंग्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बट इज दिस इज लिटिल डिफरेंट अबाउट दिस होटल्स, सो देर इज लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ होटल्स ना। व्हाट शुड एक्सपेक्टेशन ऑन दिस इवेंट्स? दिस इवेंट्स नो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट द वी आर कमिंग फॉर द दिस चले पोखरा कैंपेन ना, so last 7 years we are coming here, so we are promoting about Nepal and Pokhara, so last year also visited the Modi also for the in the Muktinath, so that's what we are doing, planning to be now in Patna, maybe in Lucknow is very hot, so
is maybe they have time, you're not very far. Maybe from here, maybe if you drive in the morning, you will reach in the night time in Pokhara. So it's not so long distance also. So it is convenience also from here. And for nothing different Nepal and India, all the culture, very similar. No, I'm from Hotel Peace Plaza. I'm running Hotel Peace Plaza. This is a place, two-star hotel, and this has 40 rooms. It is a modern facilities hotel. It has a restaurant, bar, conference hall, and gardens. This is a mid-range hotel, like people who have 2,000 rupees to 6,000 rupees budget. They can go inside this hotel. So this is I am a long-time experience hotelier. Almost 25 years I'm running hotel business. I've already 3 hotels in Pokhara, and I am immediate past president of the Hotel Association of Pokhara Han. I'm very much pleased to come here, and this is our high expectation to come here, because actually we are very good neighbors and very good relationship between India and Nepal. We are brotherhood. So we have only the Sima, border. Border is making difference. Except the border, we are the similar. So we have the same culture, same people, same type of people, same type of language. So we think we never feel different countries when we come here. So we have a big expectation, because the Indian people, they have a traveling culture. And they used to go many different countries for travel. So why not they go Nepal and visit Pokhara and help to Nepal Bhaiya ko liye. So we are expecting many Lucknow people will travel to Nepal. It is a very international standard place where you can enjoy a lot. Thank you very much. तो आपने देखा यहाँ पर होटल्स और जो टूरिज्म का वर्क यहाँ पर जो चला, यहाँ पर सबके एक्सपेक्टेशंस है. मोदी जी के जाने के बाद वहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है और इनका जो व्यापार बढ़ा है, तो इससे एक्सपेक्टेशंस जो है वहाँ के लोगों की बढ़ गई है कि इसका लगातार जो टूरिज्म है साफ, आप लोगों को बुलाया वहाँ पर जाएं, एंजॉय करें और जो भी बेनिफिट्स हैं उसका एंजॉय करें. हम फिर हाजिर होते, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद.